नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 50 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 51 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में समाज का समाजवादी प्रतिरूप स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में समाज का समाजवादी प्रतिरूप स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1955 का नागपुर अधिवेशन, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन का मुख्य आधार था? तो बंगाल के विभाजन का मुख्य आधार है वो बंगाली राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए, ये था दोस्तों नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो नंबर तीन नंबर प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी के विचारानुसार सत्य कथन है? तो महात्मा गांधी के विचारानुसार अपने को सत्य कथन इसमें बताना है, तो इसमें कौन सा कथन है? तो इसमें देखो, धर्म और राजनीति को साथ साथ चलना चाहिए, धर्म और राजनीति को साथ साथ चलना चाहिए, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या था, हाँ सीता, ठीक है। नंबर चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था तो क्या था? तो वो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भीतर स्वशासन प्राप्त करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भीतर स्वशासन प्राप्त करना, ये था दोस्तों इसका मुख्य ध्येय, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पाँच नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो, निम्न में से किस पत्रिका को एनी बेसेंट का संबंध था? तो किस पत्रिका से एनी बेसेंट का संबंध था? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन दोनों से था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर छः सिक्स नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें देखो दोस्तों, एक तरफ दी गई है, दिए गए हैं व्यक्ति, दूसरी तरफ है समाचार पत्र, तो इसमें देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा इनका जो समाचार पत्र था वो था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और अब्दुल कलाम आज़ाद का था वो था अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल था इनका। एनी बेसेंट का था वो न्यू इंडिया था, और अरविंद घोष का था वंदे मातरम, ये चार समाचार पत्र थे और इनसे व्यक्ति सुमेलित कर दिए गए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और अब्दुल कलाम आज़ाद ये है अल हिलाल, एनी बेसेंट है न्यू इंडिया, और अरविंद घोष है वंदे मातरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो 2143 नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सात नंबर प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी तो दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन था, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर आठ नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो सुमेलित करें, एक तरफ है आंदोलन घटना और दूसरी तरफ है वर्ष, एक तरफ आंदोलन घटना और दूसरी तरफ वर्ष है, तो देखो स्वदेशी आंदोलन तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 में चला था, ठीक है। चंपारण आंदोलन है तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा ये 1917 में चला था। असहयोग आंदोलन है तो ये दोस्तों सबको पता होगा 1920 में चला था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में चला था, ठीक है, 1930 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2341 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी उसमें ऑप्शन देखो, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2134 दिए गए हैं। नंबर नाइन प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित करें, एक तरफ है व्यक्ति, दूसरी तरफ है गठित संस्था, तो कौन से व्यक्ति ने कौन सी गठित संस्था की है? तो इसमें देखो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, और बाल गंगाधर तिलक ने थियोसोफिकल सोसाइटी, ये है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2341 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
इसमें देखो नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4 एक दिया गया है। नंबर 10 नंबर प्रश्न है, सत्य कथन का अपने को इसमें चयन करना है, ठीक है, सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसमें देखो नंबर एक कथन है अपना, रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय होर्डिंग्स पर बम फेंका, ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, रास बिहारी बोस ने फेंका था। और वी डी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था का गठन किया, जो शीघ्र ही अभिनव भारत नाम से गुप्त संस्था में बदल गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटू केशवर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय सभागार में बम फेंका और इकबाल जिंदाबाद के नारे लगाए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों इसमें लोकमान्य तिलक 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया, तभी जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है। नंबर 11 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन है, तो 1857 की क्रांति के संबंध में बताना है अपने को इसमें से कौन सा कथन है? गलत है, तो दोस्तों इसमें अपन डायरेक्ट मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र व नेतृत्व का विश्वासघात, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य कथन है, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन। नंबर 12 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का सही क्रम है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जमा भट्टो, ये ट्रिक थी इसकी, जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 13 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ प्रजामंडल दूसरी तरफ गठनकर्ता, तो देखो मेवाड़ प्रजामंडल के जो गठनकर्ता है ये माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है, कोटा का नैनूराम शर्मा, जयपुर का जमनालाल बजाज और बीकानेर का मगाराम वेदे, सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नंबर 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित करें, एक तरफ है हत्याकांड, दूसरी तरफ है संबंधित दिवस, तो कौन सा हत्याकांड कब हुआ था, कौन सा दिवस है उससे संबंधित, वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो मानगढ़ धाम हत्याकांड ये हुआ था दोस्तों 7 दिसंबर 1908 को, और नीमूचना हत्याकांड ये हुआ था 14 मई 1925 को, डाबड़ा हत्याकांड ये हुआ था 13 मार्च 1947 को, और गोविंदपुरा हत्याकांड है ये हुआ था 13 जुलाई 1923 को। मानगढ़ हत्याकांड है ये 7 दिसंबर 1908 को, ठीक है, और नीमूचना है ये 25 को, डाबड़ा हत्याकांड है ये 47 को, और गोविंदपुरा हत्याकांड है ये 13 जुलाई 1923 को, ठीक है। इसमें देखो और एक चीज़ दोस्तों इसके अंदर याद रखना, जो ये मानगढ़ दाभ हत्याकांड है ये 1913 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1913 के अंदर हुआ था, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो सुमेलित करें, एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है रचना, तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसके अंदर देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखो हरिसेन है वो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं, कालिदास है वो कुमार संभव के, और विशाक दत्त है मुद्रा राक्षस के, और वात्स्यायन है ये कामसूत्र के हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 16 नंबर प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान की अधिसूचना कब जारी की गई, तो कब जारी की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मई 2018 को जारी की गई थी। नंबर 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से समग्र शिक्षा अभियान में किस कार्यक्रम संस्था को शामिल किया गया है, तो किस संस्था कार्यक्रम को शामिल किया गया है, तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डाइट और उपयुक्त, सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो समग्र शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में सत्य कथन है, तो सत्य कथन इसमें कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के अधिगम परिणामों
को बढ़ाना बिल्कुल सही है। विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक भेदभाव को खत्म करना बिल्कुल सही है। विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर इक्विटी और समायोजन सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। नंबर 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 19 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखो नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों के चारों सही है। नंबर 19 नंबर प्रश्न है, समग्र शिक्षा के लाभ के संबंध में सत्य कथन है, तो कौन सा सत्य कथन है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो कक्षा 12 तक संचालन एक ही एजेंसी से होने पर योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन होने के साथ ही लागत भी घटेगी, बिल्कुल सही है। शैक्षणिक सुधार का प्रबंधन अच्छा हो सकेगा, बिल्कुल सही है। माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों व आमजन के कार्य एक ही छत के नीचे हो सकेंगे, बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों इसके अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मिलने वाले बजट में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। नंबर 20 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष खेल सामग्री के लिए कितनी राशि दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष खेल सामग्री के लिए कितनी राशि दी जाएगी, तो वो दी जाएगी दोस्तों 15,000 रुपये। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 21 नंबर प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को किस कक्षा तक बढ़ाया गया है, तो किस कक्षा तक बढ़ाया गया है, तो 12वीं तक बढ़ाया गया है। ठीक है, नंबर 22 नंबर प्रश्न है, कौशल भारत में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर के छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो किस छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च माध्यमिक स्तर, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 23 नंबर प्रश्न है, कक्षा 6 से 12 तक संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को प्रतिवर्ष कितने रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है, तो कितने वर्ष का अनुदान का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 करोड़। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24 नंबर प्रश्न, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली EMIS में संपादित होने वाली सूचनाएं हैं, तो EMIS में संपादित होने वाली सूचनाएं कौन सी हैं वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सूचना तंत्र को अधिक मजबूत करना बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण तैयार करना बिल्कुल सही है। बालकों के संदर्भ में विभिन्न सूचनाओं का संकलन बिल्कुल सही है। भारत में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना बिल्कुल सही है। दोस्तों चारों के चारों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों सही है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 25 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः विद्यालय नियोजन के क्षेत्र हैं, तो विद्यालय नियोजन के क्षेत्र हैं वो शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, तीनों ही हैं दोस्तों उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, ठीक है, एक तरफ से संस्था दूसरी तरफ है चिन्ह, तो अपने को इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखो माध्यमिक विद्यालय का जो चुनाव जो चिन्ह है वो है ये है, ठीक है, त्रिभुज, और प्राथमिक विद्यालय इसका दोस्तों गुणा वाला निशान है, नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा, और उच्च माध्यमिक विद्यालय तो ये दोस्तों गोले के अंदर त्रिभुज आ जाएगा, ये इसका है, और चौथा है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, तो इसका ये है दोस्तों, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर का ये, तो दोस्तों इसका सारे के सारे इसमें सही सुमेलित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। नंबर 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय प्रबंध समिति के संबंध में सत्य कथन है, तो इसके बारे में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंध समिति में कम से कम 9 अभिभावक सदस्य होने चाहिए, बिल्कुल सही है। समिति में कम से कम 50% महिला होनी चाहिए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों इसके अंदर साधारण सभा के प्रति 3 माह में एक बार वर्ष में अधिकतम 3 व कार्यकारी समिति की प्रतिमाह अमावस्या को व वर्ष में 11 बैठक होना आवश्यक है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 28 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो लोक जुम्बिस परियोजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कब किया गया, तो कब किया गया, तो दोस्तों 3 जून
30 जून 2004 को किया गया है। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सीरट उदयपुर की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो दोस्तों मेहरोत्रा की समिति की सिफारिश पर की गई थी। नंबर 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित करें, एक तरफ है बालिका योजना और दूसरी तरफ है प्रारंभ वर्ष, तो दोस्तों कौन सी बालिका योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो गार्गी पुरस्कार योजना है वो 1998-99 में हुई थी, और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है ये 2010-11 में, और विदेश में स्नातक शिक्षा योजना है ये 2010 और 11 में, और आपकी बेटी योजना है ये 2004-05 में। सारे के सारे दोस्तों सही सुमेलित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नंबर 31 नंबर प्रश्न है, उष्माशोषी अभिक्रिया है तो NH4Cl का जल में विलयन बनाना, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अपचयन अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है, तो दोस्तों इसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन ये हो जाएगा दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो नाइट्रोजन अणु पाया जाता है तो त्रिसहसंयोजक आबंध, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 34 नंबर प्रश्न है, दो सतहों के मध्य गतिक घर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, दो सतहों के मध्य गतिक घर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सतहों के मध्य सापेक्ष वेग पर, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो न्यूटन की गति का प्रथम नियम तो दोस्तों बल की परिभाषा देता है। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 36 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो दोस्तों इसके अंदर देखो द वर्क विल बी इन वन मंथ, तो इसके अंदर क्या आएगा, तो इसमें करेक्ट फॉर्म आ जाएगी दोस्तों वो है कंप्लीटेड, क्या जाएगा द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन वन मंथ, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 37 नंबर प्रश्न है, तो देखो यहाँ पे भी सही वर्ड बताना है कि यहाँ पे सही वर्ड क्या आएगा, तो सेंटेंस है द गवर्नमेंट एलॉट ऑफ मनी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स लास्ट ईयर, तो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो है स्पेंट, क्या जाएगा स्पेंट, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 38 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सेलेक्ट एक्टिव पेसिव वॉइस, ठीक है, तो इसका है सी लर्न्स म्यूजिक, तो इसको दोस्तों क्या जाएगा, इसका हो जाएगा वो म्यूजिक इज लर्नड बाई हर, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 39 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सेलेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म अल्टरनेटिव, ठीक है, तो इसमें सेंटेंस अपना आरती सेड टू रुचि आई सेल राइट ए स्टोरी फॉर यू, तो इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा वो है आरती टोल्ड रुचि दैट सी वुड राइट ए स्टोरी फॉर हर, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल बताना है दोस्तों इसके अंदर, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्युपकार शब्द में किस संधि का प्रयोग होता है, तो किस संधि का प्रयोग होता है, तो दोस्तों यण संधि का प्रयोग होता है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है, तो दोस्तों निर्बल से नहीं बना हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द यथार्थ का विलोम नहीं है, तो यथार्थ का विलोम कौन सा शब्द नहीं है, तो दोस्तों सत्य नहीं है। ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 44 नंबर प्रश्न है, इक्षु और इंदु एक तरफ है इक्षु और दूसरी तरफ है इंदु, शब्द युग्म के अर्थ भेद बताने हैं अपने को, तो इनका शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है वो देखो इसमें, तो इक्षु का मतलब तो होता है ईख और इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 45 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द वो कौन सा है? तो इसमें देखो, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, शुद्ध शब्द नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 46 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो, भारत की संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान ने किसमें निहित की है? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो संविधान ने किसमें निहित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सत्यकथन का चयन करें, सत्यकथन का इसमें चयन करना है। तो दोस्तों प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है, तो इसमें देखो, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, नंबर ये भी सही है दोस्तों, सेकंड वाला भी सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में कथन है दोस्तों सारे के सारे, प्रधानमंत्री की सलाह से भिन्न किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने पर संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सारे के सारे सही है इसमें, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है? तो मंत्रिपरिषद की संख्या का कुल सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई है, स्वाद कौन से संविधान संशोधन में? तो वो की गई है दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर, ठीक है। नंबर 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव या निर्वाचन कौन करते हैं, कौन करते हैं? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य करते हैं, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सत्यकथन का चयन करें, सत्यकथन का अपने को इसमें चयन करना है, तो कौन सा कथन है वह इसमें सत्य है? तो इसमें देखो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखो इसके अंदर, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिससे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। 2014 में चुनाव में 6 राष्ट्रीय दल थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाता नंबर डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 51 नंबर प्रश्न है, सत्यकथन का इसमें चयन करना है, तो सत्यकथन इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्यकथन है? तो देखो, राजस्थान के कुल भूभाग के 61.11% भाग पर मरुस्थल का विश्वास है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला भूभाग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और देखो, राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीन कथन तो दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा है, राजस्थान के मरुस्थल में 25 सेमी से 40 सेमी के मध्य वर्षा होती है, तो दोस्तों यहाँ पे गलत है, 40 सेमी 0 से 25 तक वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 52 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, ढूंढाण एक तरफ तो है स्थानीय नाम और दूसरी तरफ है क्षेत्र, तो ढूंढाण है वो कौन से क्षेत्र का नाम है? तो वो है जयपुर टोंक व अजमेर का क्षेत्र, जिसको ढूंढाण के नाम से जानते हैं। बोराट के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो है गोगुंदा घरियावद, ये उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ राजसमंद का क्षेत्र ये है दोस्तों, ठीक है, सही सुमेलित किया गया है दोनों के दोनों। और देखो दोस्तों, तीसरा और चौथा, गिरवा, तो गिरवा दोस्तों उदयपुर क्षेत्र में स्थित तस्त्रीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है, वो होती है उदयपुर के अंदर गिरवा, जिसको बोलते हैं मेवल, मेवल कहते हैं दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग, जिसको मेवल कहते हैं। सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसमें दिया गया है। नंबर 53 नंबर प्रश्न है, राज्य में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, परिणाम है राज्य में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं, परिणाम है, तो दोस्तों ये परिणाम किसका हो जाएगा? तो ये पश्चिमी विक्षोभ का हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 54 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ है प्राप्ति स्थल, तो इसमें देखो, पोटास है, तो दोस्तों
पोटास के भंडार हैं वो हनुमानगढ़ में हैं, और रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं ये विरमानिया में हैं, और स्वर्ण अयस्क भंडार है ये आनंदपुर भूकिया में है, ठीक है, और यूरेनियम के भंडार हैं वो देदवास और देवपुर में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है। नेक्स्ट, पर्यटन स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों दिल्ली आगरा जयपुर को। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 56 नंबर प्रश्न है, तो देखो सुमेलित करना है, एक तरफ है संस्था और दूसरी तरफ है नियुक्ति या निर्वाचित। तो इसमें देखो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं दोस्तों दीपक उप्रेती, ठीक है, और राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं वो दोस्तों कौन है, तो महेश इनानी है। कौन है? महेश इनानी। और देखो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान शूटिंग बाल संघ अध्यक्ष इसके हैं अशोक परनामी, और राजस्थान भामाशाह प्राधिकरण महानिर्देशक ये हैं अखिल अरोड़ा। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन होगा, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 57 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो वर्ष 2018 में विश्व योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों वो है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 58 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो निम्न में से किन जिलों में केंद्र सरकार द्वारा मदर मिल्क बैंक खोलने की वित्तीय स्वीकृति की गई है, तो कहाँ पर की गई है ये, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो प्रतापगढ़, झुंझुनू, करौली और जैसलमेर, यहाँ पे चारों में की गई है दोस्तों। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान सरकार को शिक्षा में अमूल्य योगदान के लिए दिया गया पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार किन्हें मिला, तो किन्हें मिला, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर माधवी त्रिपाठी को। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नंबर 60 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मॉब लिचिंग को नियंत्रण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो दोस्तों वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजीव गोबा। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए गठित पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो इस पूर्वोत्तर परिषद का जो पदेन अध्यक्ष है वो केंद्रीय गृहमंत्री है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2008 में किस देश की संसद ने देश को यहूदी राष्ट्र घोषित किया है, तो किस देश की संसद ने, तो इजराइल की संसद ने, ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2018 में कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 64 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो इसमें देखो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ वर्ष 2018-19 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए में है, तो देखो अरहर का हो जाएगा दोस्तों 5,675 और मूंगफली का हो जाएगा 4,890, तिल का हो जाएगा 6,249 और कपास का हो जाएगा 5,150। ये सारे के सारे दोस्तों इनका समर्थन मूल्य बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जल्दी जल्दी पढ़ो, तो दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मेरे को उतनी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 65 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो जून 2018 की भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक बैंकों को वर्ष 2017-18 के दौरान कितना घाटा हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 85,370 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो नंबर 66 नंबर प्रश्न, तो देखो दी गई श्रृंखला है, यहाँ पे अगला पद क्या होगा वो अपने को इसमें ज्ञात करना है, तो पद है 1, 27, 125, 243। तो दोस्तों इसमें 1 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, ठीक है, और उसके बाद में 5 है, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125,
और उसके बाद में 7 है तो 7 का क्यूब कितना हो रहा है 243, तो 2-2 का गैप चल रहा है। तो दोस्तों 9 का क्यूब निकालना पड़ेगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 67 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को एफ सी यू एक्स एम लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना अपने को, तो देखो इसमें सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे आएगा। तो इसमें ई में अपन प्लस एक करेंगे, प्लस एक तब आएगा एफ, ए में 2 प्लस करेंगे तब आएगा सी, आर में 3 प्लस करेंगे तब आएगा अपने यू, और टी में 4 प्लस करेंगे तब क्या आएगा एक्स, और एच में 5 प्लस करेंगे तब आएगा एम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 हर अक्षर के अंदर बढ़ाना है, तो उसी प्रकार यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है, तो सुपर में अपन एक में करना है, एस में 1 जोड़ना है, यू में 2 जोड़ने हैं, पी के अंदर 3 जोड़ने हैं, ई के अंदर 4 जोड़ने हैं, और आर के अंदर 5 जोड़ने हैं, ऐसे जोड़ना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है TWSIW हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो नंबर 68 नंबर प्रश्न, तो इसमें यदि ए बराबर 2, बी बराबर 4 और आर बराबर 36 है, तो टी बराबर 40 हो तो आरती का मान क्या होगा, तो आरती का मान क्या होगा। तो दोस्तों आरती को जोड़ लो, ए कितने नंबर पे आता है, तो 2, मान रहा कितने का है 4, तो दोस्तों पहले 3 को जोड़ लो, सबको डबल डबल कर देना, ठीक है, 2 और 18 20, और 20 और 20 टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, तो 20 और 20 कितने हो गए 40, और 1 41, तो दोस्तों ठीक है, ये पूछा है आरती का मान पूछा है इसने, आरती का मान पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 96, ठीक है। ए आता है 2 नंबर पे, ये हो जाएगा दोस्तों कि ये ए तो 2 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, और आर है वो कितने नंबर पे, तो वो है 18 नंबर पे, तो 18 नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, तो 18 और 18 36 ही हो जाएगा, सॉरी ये दोस्तों आर का मान पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आर का मान, आरती का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर देखो ए बराबर तो 2 हो गया और आर बराबर 36 हो गया, टी बराबर ये हो गया, तो आई का मान पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई का, पूरे का मान नहीं पूछ रहा है ये, आई का मान पूछ रहा है, तो आई का मान है वो दोस्तों 9 × 2 यानी कि 18/96 हो जाएगा, तो दोस्तों 96 हो जाएगा इसका, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 69 नंबर है, तो इसमें देखो किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो देखो वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, उस आदमी का महिला से संबंध बताएं, तो दोस्तों उस संबंध हो जाएगा वो उसकी बहन है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 70 नंबर प्रश्न है, तो देखो ग्रामीण अशिक्षित रोजगार में लगे लोगों की संख्या ज्ञात करें, तो दोस्तों आपको यह चित्र दिख रहा होगा, इसमें शिक्षित रोजगार और ग्रामीण, तो इसमें क्या पूछा है, तो ग्रामीण अशिक्षित रोजगार में लगे लोगों की संख्या ज्ञात करें, तो लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जो तीनों में लगे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर देखो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों वो है 10, कितने हो जाएगा 10, देखो ग्रामीण अशिक्षित रोजगार में लगे लोगों की संख्या ज्ञात करें, तो लोगों की संख्या इसमें अपने को ज्ञात करनी है, तो देखो वेन आरे का जो अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये मात्र एक ऐसी संख्या है जो रोजगार व अशिक्षित ग्रामीण को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 10, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन आरे के अंदर। नंबर 71 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो 10 सेमी त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की कितनी बॉल बनाई जा सकती है, तो दोस्तों कितनी बॉल बनाई जा सकती है, तो इसमें देखो छोटे गोलों की संख्या है वो अपने को देखो, बड़े गोलों की तो हो गई 10 और छोटे गोलों की हो गई 2-2, ठीक है, त्रिज्या इनकी दोनों की, तो इसमें कुछ नहीं करना, 4/3 पाई × 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है,
और नीचे हो जाएगा 4/3 π (2³ हो जाएगा, तो इनको काट लेंगे आपस में तो 125 आ जाएगा दोस्तों। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 72 नंबर प्रश्न है 24 सेमी लंबाई व 22 सेमी चौड़ाई वाली धातु की एक आयताकार सीट को इसकी लंबाई के अनुदेश मोड़कर एक लंबवर्ती बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन होगा, तो दोस्तों बेलन का आयतन है वो कितना होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसकी बेलन की पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या आर हो जाएगी, ठीक है, और बेलन के आधार की परिधि है वो 2πr हो जाएगी, तो इस उत्तर को लगाएंगे इसमें, फिर बेलन का आयतन लगाएंगे तो इसका 924 घन सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 73 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो एक बॉक्स जिसका माप 56 सेमी 35 सेमी और 40 सेमी है, तो उसमें 8 सेमी 5 सेमी और 4 सेमी की कितनी साबुन की टिकिया पैक की जा सकती है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर लिख देना है अपने को 56 × 35 × 40 और नीचे लिख देना है अपने को वो है 8 × 5 × 4, तो इनको आपस में काट लेंगे तो अपना 490 इसमें निकल के आ जाएगा। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 74 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक 10 मीटर लंबे व 8 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई ज्ञात करें, तो कालीन की लंबाई है वो कितनी होगी, तो देखो इसमें माना कालीन की लंबाई है वो x मीटर है और इसका हो जाएगा 1.6 × x = 10 × 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें x निकालना पड़ेगा तो 10 × 8 / क्या हो जाएगा 1.6 ये हो जाएगा, तो दोस्तों इसका 50 मीटर राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, अपन इसको काट लेंगे तो काटेंगे तो इसमें 50 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब इसमें देखो नंबर 75 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो दो लगातार सम संख्याओं का योग 70 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों दो लगातार सम संख्या को पूछ रहा है तो यहाँ पे अपन को 70/2 कर देना है, तो कितना आ रहा है 35, तो दोस्तों सम संख्या बतानी है तो एक पीछे चले जाना और एक आगे चले जाना, तो इसमें एक तो 34 हो गया और एक हो गया 36, दो हो गए और दोनों का योग हो रहा है 70, ठीक है 70 हो रहा है, और इसमें बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या इसमें दोस्तों अपने पास 36 है और लगातार है 34 के बाद में 36 है, तो 36 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हो गया अपना आज का 51 नंबर का मॉडल पेपर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएँ कि दोस्तों जिनको नहीं पता है कि 50 मॉडल पेपर हो चुके हैं, लोगों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।